अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड, मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हो नॉलेज अरीना। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हैंड्स ऑन करने वाले हैं नोवा 5T को, जिसे अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया है पाकिस्तान में। और ये फ़ोन मैंने मंगवाया है दुबई से। इस फ़ोन की क्या है प्राइस, किस प्राइस के अंदर मुझे कॉस्ट किया है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो बाहर से अपने अजीज़ अकारिब के लिए फ़ोन मंगवाते हैं और अगर चूज़ करते हैं नोवा 5T तो वो कैसा है। गाइस, की स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है किरिन 980 का प्रोसेसर और ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। यहाँ पर हमें मिलती है 8GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। आप इस फ़ोन के अंदर कार्ड नहीं लगा सकते। बैक पर क्वाड कैमराज दिए गए हैं जिसमें मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का। और मेन चीज़ के यहाँ पर आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले। तो ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। हम करेंगे इसका फर्स्ट लुक, बात करेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पर और एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पाकिस्तान में ये फ़ोन नहीं आता और आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप मंगवा सकते हैं या नहीं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करके ऑल के बटन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। और मैं आपको कहता हूँ गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोवा 5T का एक हैंड्स ऑन वीडियो। गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फ़ोन की बिल्ड और डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है ये खूबसूरत सा पंच होल डिस्प्ले और उसके साथ बेजल्स की अगर बात की जाए तो ऊपर के जो बेजल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, साइड्स के बेजल बहुत ही ज़्यादा कम हैं और नीचे की जो चिन है वो ऑलमोस्ट आपको ना होने के बराबर लगेगी। बैक की अगर मैं बात करूँ तो बैक के ऊपर एक कैमरा बम्प लगाया गया है जहाँ पर हैं 3 कैमराज, उसके नीचे है LED फ्लैश लाइट और साइड के अंदर ग्लास के अंदर एक कैमरा दिया गया है, 4th कैमरा। हुआवे की ब्रांडिंग है। ओवरऑल गाइस, इस फोन की बिल्ड की अगर बात की जाए तो फ्रंट और बैक पर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है लेकिन वर्जन को आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। और ये जो फ्रेम है ये है एल्युमिनियम का। तो ओवरऑल इस फोन की जो बिल्ड है वो बहुत ही अच्छी है, इस फोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत हद तक ये और रेडमी नोट 8 सिमिलर है। ऑलमोस्ट इन दोनों फ़ोनों का जो साइज़ है वो भी एक्स ही है। तो गाइज, इस फोन का जो वेट है वो है 174 ग्राम्स। तो बिल्ड के मामले में, लुक के मामले में ये फ़ोन 10 ऑफ 10 है। बात करेंगे इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमें मिलता है एक 6.2 इंच का IPS LCD पैनल जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1080x20x30x40। स्क्रीन डेंसिटी है 405 PPI और यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 84.2%। तो गाइज, यहाँ पर 6.2 इंच की जो स्क्रीन है, अब जो फ़ोन आने लग गए हैं वो 6.6 इंच 6.7 इंच तक आने लग गए हैं, तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर आपको इन हैंड बहुत अच्छी फील मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो आपके हाथ के अंदर आसानी से आ जाता है। और इस स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो जो इस फ़ोन के कलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपको वीडियो के अंदर अच्छे कलर्स मिलने देखने को मिलेंगे और यहाँ पर व्यूइंग एंगल आपको अच्छा मिलेगा। गाइस, बात करेंगे इस फ़ोन के हार्डवेयर की तो यहाँ पर ये फ़ोन पावर पैक्ड बनाया गया है। यहाँ पर है फ्लैगशिप प्रोसेसर हिसिलिकॉन किरिन 980 का और मैं Mate 20 Pro यूज़ कर चुका हूँ तो वहाँ पर जो मैंने स्पीड देखी है इस प्रोसेसर की वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी थी। और यहाँ पर हमें जो रैम मिलती है वो है 8GB की, तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है 980+8GB, तो ये फ़ोन स्पीड के मामले में बहुत ही कमाल होने वाला है। GPU की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें मिलता है माली G76MP10 का GPU, तो ग्राफिक्स आपको इस फ़ोन के अंदर अच्छे मिलने वाले हैं। गाइज, बात करेंगे इस फ़ोन के सेंसर्स की तो यहाँ पर सारे ही सेंसर्स हैं और इस फ़ोन के अंदर है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो मैं इनरोल कर चुका हुआ हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना तेज़ काम कर सकता है। जब मैं इस साइड फिंगरप्रिंट को इनरोल कर रहा था तो वहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जल्दी ही इनरोल हो गया और स्पीड भी इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर इस फ़ोन को ऐसे बंद है, हल्का सा यहाँ टच किया ये अनलॉक्ड हो गया, तो यहाँ टच किया ये अनलॉक्ड हो गया। तो इस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। फेस अनलॉक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस फ़ोन का जो फेस अनलॉक है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, आप फ़ोन की तरफ देखेंगे और फ़ोन हो जाएगा अनलॉक्ड। गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन के हाइलाइटेड फीचर, इस फ़ोन के कैमराज की। तो बैक पर हमें मिलते हैं 4 कैमराज, जहाँ पर पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का f/1.8 aperture के साथ, दूसरा कैमरा लगाया है 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा f/2.2 aperture के साथ, तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो लेंस f/2.4 aperture के साथ और इसके बाद हमें मिलता है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा f/2.4 aperture के साथ। और इस फोन के बैक कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जायरो EIS आपको मिलता है।
फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक ऐसा सेल्फी कैमरा जिसका एफ अपर्चर 2.0 है, और फ्रंट पर भी आप 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहां पर भी आपको जायरो इमेज इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो गाइज मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस फोन के कुछ कैमरा सैंपल्स। फ्रेंड इस फोन के कैमरा सैंपल्स आपने देख लिए होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इस फोन का कैमरा कैसा लगा। बैटरी की अगर बात की जाए तो अब जो फोन आ रहे हैं वो 4000 मिलियम पावर बैटरी 4500 मिलियम पावर बैटरी के साथ आते हैं, लेकिन यहां पर ये जो बैटरी है ये है 3750 मिलियम पावर की। तो छोटी बैटरी ज़रूर है और फ़ोन क्योंकि इतना पावरफुल बनाया है तो यहां पर लगेगा लोगों को कि बैटरी छोटी है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर हुआवे की तरफ से ये कहा गया है कि 24 मिनट के अंदर आप इस फ़ोन को चार्ज करते हैं 50% 22.5 वोल्ट के चार्ज के साथ। तो यहाँ पर ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो इन हैंड फ़ोन अच्छा सोचते हैं, लाइक कि यार एक छोटा फ़ोन होना चाहिए, सारे फीचर्स होने चाहिए, स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, ट्रेंडी लुक होना चाहिए, बेस्ट कैमराज होने चाहिए, तो ये फ़ोन गाइज ओवरऑल उनके लिए। तो ये था इस फोन का फर्स्ट इंप्रेशन, मैंने आपके साथ शेयर किया ओवरऑल इस फोन की स्पेसिफिकेशन, कैमरे के बारे में बताया। होप करते हैं कि ये फ़ोन पाकिस्तान में आए क्योंकि गूगल वगैरह सभी कुछ चल रहा है और हुआवे पाकिस्तान के अंदर कमबैक करे, अभी डिवाइसेस जो हैं वो आना बंद हो गई हैं। तो यहाँ पर करेंगे इस वीडियो को एंड, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अलॉट फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।